आइए मित्रों, वो पहली तीन राशियों के बारे में जानते हैं जो कहीं ना कहीं आपको ये बताएंगी कि कैसे करनी है आज कान्हा की उपासना, क्या आपका दिन आपको हर तरीके से लाभान्वित करेगा। आइए बताते हैं। मेष राशि, अगर आप मेष राशि के हैं, वैसे तो भगवान श्री हरि की उपासना आप किसी भी रूप में कर सकते हैं। अगर आपकी राशि मेष है तो भगवान कृष्ण को गुलाबी श्रृंगार अर्पित करिए, भगवान कृष्ण को माखन मिश्री का भोग लगाइए, लड्डू गोपाल स्वरूप बच्चों को आज मिठाई जरूर दान कर दीजिए। शुभ रंग होगा आपके लिए लाल, लकी नंबर है 2। आज एक महा उपाय करना है, ओम श्री कृष्णाय नमः मंत्र का यथासंभव जाप करिए, नहीं तो कम से कम 108 बार यानी कि एक माला का जाप जरूर करिएगा। वृषभ राशि, गोपाल जी को चांदी की बांसुरी और सफेद वस्त्र अर्पित आप कर सकते हैं, सफेद रसगुल्ले का ही भोग लगाएं या गोले की मिठाई का भी भोग लगा सकते हैं, जरूरतमंद बच्चों को वस्त्र दान करिए। शुभ रंग है आपके लिए कत्थई, लकी नंबर है 6। आज ओम यशोदा वत्सलाय नमः इस महामंत्र का यथासंभव जाप करिए, भगवान कृष्ण का आशीर्वाद जरूर मिलेगा। मिथुन राशि, लड्डू गोपाल जी को आज नारंगी रंग के वस्त्र अर्पित करें, मीठी दही का भोग लगा दीजिए और जरूरतमंद बच्चों को, जो हेल्पलेस बच्चे हैं, उन्हें पेन पेंसिल और कोई भी लेखन सामग्री स्टेशनरी आप डोनेट कर सकते हैं। शुभ रंग है आपके लिए जामुनी, लकी नंबर है 7। आज ओम दया निधाय नमः इस महामंत्र का हो सके तो 108 बार जाप जरूर करिएगा। आइए अब जान लेते हैं कर्क सिंह कन्या राशि का दैनिक राशिफल। अगर आपकी राशि कर्क है, चंद्र प्रधान राशि है आपकी, हल्का लाल रंग का श्रृंगार भगवान कृष्ण को अर्पित करिए, केसर मिश्रित दूध का भोग लगाइए, बाल गोपाल स्वरूप बच्चों को खिलौने डोनेट करिए, छोटे छोटे बच्चों के साथ जो है कहीं ना कहीं आप समय बिताइए आज। शुभ रंग है आपके लिए जामुनी, लकी नंबर है 3। आज एक मंत्र का आपको भी जाप करना है, ओम देवकी नंदनाय नमः इस महामंत्र का 108 बार जरूर जाप करिए। सिंह राशि, सूर्य प्रधान राशि, गुलाबी रंग के वस्त्र आज भगवान लड्डू गोपाल को अर्पित कर सकते हैं, शुद्ध पंचमेवा का भोग लगाइए, छोटे बच्चों को गुड़ से बनी हुई मिठाई या वस्तु आप जरूर दीजिए। शुभ रंग है आपके लिए पीला, लकी नंबर है 6। आज ओम गोविंदाय नमः इस महामंत्र का 108 बार जरूर जाप करिए। कन्या राशि, भगवान कृष्ण को मरून रंग के वस्त्र आप अर्पित कर सकते हैं, मावे की मिठाई का भोग लगा दीजिए, छोटे बच्चों को लेखन सामग्री यानी स्टेशनरी डोनेट जरूर करिए। शुभ रंग है आपके लिए गेहुआ, लकी नंबर है 4। ओम कमलनाथाय नमः, ओम कमलनाथाय नमः मंत्र का 108 बार जाप करने से निश्चित तौर पर आपकी परेशानियां खत्म हो जाएंगी। आइए अब जान लेते हैं तुला वृश्चिक धनु राशि का दैनिक राशिफल। तुला राशि, केसरिया रंग के वस्त्र आप ठाकुर जी को अर्पित करिए, श्रृंगार अर्पित करिए, माखन मिश्री का भोग लगाइए और छोटे बच्चों को उनकी मनपसंद मिठाई आज जरूर दान करिए। शुभ रंग है आपके लिए आसमानी, लकी नंबर है 8। आज ओम मधुरा कृते नमः इस महामंत्र का 108 बार जाप जरूर करिए। अगर आपकी राशि वृश्चिक है तो लड्डू गोपाल जी को नारंगी रंग या फिर लाल रंग के वस्त्र अर्पित करिए, तुलसी मिश्री का भोग अर्पित करिए, छोटे बच्चों को उपहार जरूर दीजिएगा। शुभ रंग है आपके लिए गेरुआ, लकी नंबर है 6। आज ओम पार्थ सारथिये नमः, ओम पार्थ सारथे नमः मंत्र का 108 बार जरूर जाप करिए। धनु राशि, भगवान कृष्ण को हल्के पीले या सुनहरी रंग के वस्त्र अर्पित करिए, केसर का पेठा भोग में आज जरूर रखिएगा, किसी छोटे बच्चे को कृष्ण स्वरूप तैयार करने में आप उसकी सहायता करिए, उन्हें वस्त्र दे दीजिए, बांसुरी दे दीजिए। शुभ रंग है आपके लिए सुनहरी, लकी नंबर है 3। आज ओम जैने नमः इस महामंत्र का 108 बार जरूर जाप करिए। आइए अब जान लेते हैं मकर कुंभ मीन का दैनिक राशिफल। मकर राशि, भगवान कृष्ण को गुलाबी या आसमानी रंग के वस्त्र अर्पित करें, धनिया की पंजीरी का भोग लगाएं, छोटे बच्चों को आज बांसुरी जरूर दीजिए। शुभ रंग है आपके लिए आसमानी, लकी नंबर है 9। एक छोटा सा उपाय आपके लिए भी है, ओम वासुदेवाय नमः इस महामंत्र का 108 बार जरूर जाप करिए। कुंभ राशि, लड्डू गोपाल जी को हरे या नीले रंग के वस्त्र अर्पित कर सकते हैं,
गुड़ की मिठाई का भोग भी लगाइए। किसी बालक को गोपाल स्वरूप जरूर तैयार करिए। शुभ रंग है आपके लिए गुलाबी, लकी नंबर है 1। आज ओम गोपालाय नमः इस महामंत्र का कम से कम 27 बार जाप जरूर करिएगा। मीन राशि, अंतिम राशि। लड्डू गोपाल जी को हल्के पीले और सुनहरी रंग के वस्त्र अर्पित जरूर करने हैं। भगवान कृष्ण को 56 भोग अर्पित कर सकते हैं। किसी छोटे बालक को लड्डू गोपाल का मुकुट जरूर पहनाइए। शुभ रंग है आपके लिए सफेद, लकी नंबर है 1। आज ओम कोटि सूर्य संप्रभाय नमः इस महामंत्र का 108 बार जरूर जाप करिए। तो मित्रों आज के लिए इतना ही, कल आपसे फिर मुलाकात होगी। जुड़े रहिए जी न्यूज के साथ, दीजिए मुझे इजाजत। नमस्कार।